कहाँ हो? कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें? अरे यार सॉरी, मैंने तुम्हारी अभी कॉल्स देखी। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो लड़के, उन्होंने कमॉन सीमा, वो लड़के हमें टारगेट नहीं कर रहे थे, बस उन्होंने अपनी एंजॉयमेंट के लिए हमें तंग किया और चले गए बस। ये बात जितनी सिंपल तुम्हें लग रही है उतनी सिंपल नहीं है। किसी ने वीडियो बना के टिकटॉक पे डाल दी है। क्या? हाँ, और अम्मी और भाभी ने दोनों ने वो वीडियो देख ली है। भाभी ने तो भाई को कॉल करके हम दोनों के बारे में बता दिया। सीमा, तुम्हारी फैमिली इतनी कंजर्वेटिव तो है नहीं जो हमारी एक वीडियो से उनको प्रॉब्लम हो जाए। तुम नहीं जानते कि ये वीडियो मेरे लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम बन सकती है। मुझे तो आज पता लगा है कि बाबा ताया के बेटे का रिश्ता मेरे लिए देख रहे हैं। नहीं सीमा, तुम सिर्फ मेरी हो, प्लीज उनको बताओ। बताओ नहीं, प्रूव करो। तुम अपनी फैमिली को मेरे बारे में बताओ ताकि वो आके मेरे पेरेंट्स से बात करें और उसके बाद मेरे पेरेंट्स को पता लगे कि तुम कोई फ्लर्ट टाइप लड़के नहीं हो बल्कि तुम सीरियस हो मुझे लेके। हाँ हाँ, मैं लेके आऊंगा अम्मी और भाई को, बात करूंगा उनसे। कब आओगे? मैं कुछ दिनों में उनको लेके आता हूँ तुम्हारे पास। आर यू मैड? यहाँ मेरी जिंदगी पे बनी हुई है। मेरी फैमिली मुझसे तुम्हारे बारे में तरह तरह के सवाल पूछ रही है और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम कुछ दिनों में लेके आओगे उन्हें। सीमा, अभी तो नहीं ला सकता ना उनको मैं। तो एक काम करो, तुम अब मुझसे कॉन्टेक्ट मत करना। सीमा मेरी, क्या करूं, बात तो करनी ही पड़ेगी वरना सीमा पर की हुई सारी मेहनत जाया हो जाएगी।